हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ जीरण। जीरण एक वर्ब का ही पार्ट होता है और वर्ब का ही पार्ट में हम जीरण वर्ब के ही पार्ट को हम पूरी तरीके से जीरण में पढ़ेंगे कि जीरण कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है जीरण एक का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ होता है। वॉकिंग हो गया, वर्किंग हो गया, प्लेइंग हो गया, चीटिंग हो गया, ETC। खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है, ये सभी क्या है? जीरण का एक निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी के साथ होता है। रूल नंबर टू, जीरण एक वर्बल नाउन होती है। जीरण एक वर्बल नाउन होता है, अतः इसका प्रयोग इन्फिनेटिव की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जीरण एक वर्बल नाउन होती है अतः इसका प्रयोग इन्फिनेटिव की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो देखो उसी पर भरोसा करो, इसे इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस को। तो टू सी इज टू बिलीव, टू सी एंड इज टू बिलीव, और इसी को हम सीइंग इज बिलीविंग, दोनों ही करेक्ट होते हैं अपनी जगह। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होते हैं। इसलिए अब इसके यूजेस देखेंगे, यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, सो पहला नोट, रनिंग अ फाइव स्टार होटल। रनिंग, देखो रनिंग को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। जीरण को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रनिंग अ फाइव स्टार होटल इज नॉट ईजी, तो जीरण हमेशा सिंगुलर वर्ब देती है। जीरण जब भी यूज होगा, अगर जीरण को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी उसके साथ। ठीक है, फाइव स्टार होटल को चलाना आसान नहीं है। धैर्य के साथ बोलना आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्पीकिंग विथ पेशेंट एनकरेजेस कॉन्फिडेंस, एक सिंगुलर वर्ब है और स्पीकिंग बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, इस सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो मतलब वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। जब हमने जीरण को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर वर्ब कैसी आई? हेल्पिंग वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। ऐसा कहना आसान है, सेइंग सो इज ईजी। सेइंग को हमने क्या सब्जेक्ट बनाया है? सब्जेक्ट बनाया है तो इज आया। ठीक है, saying so is easy, it is easy to say show। पांचवा, नेता बनना आसान काम नहीं है। becoming a leader is not easy task। पहाड़ पर चढ़ना उतना ही कठिन है जितना नदी में तैरना, तो climbing the mountain is as difficult as swimming in the river। ठीक है, याद रखना। गाड़ी चलाना और टाइप करना अभ्यास के विषय वस्तु है। ड्राइविंग एंड टाइपिंग, ऐसे भी लिखा सकते हैं, दो जीरण को एक साथ जोड़ते। ड्राइविंग एंड टाइपिंग, यहाँ पर दो जीरण आएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाया इसलिए इज नहीं आएगा, आ रहेगा। ड्राइविंग एंड टाइपिंग आर द सब्जेक्ट मैटर प्रैक्टिस। इसके बाद, रीडिंग डज नॉट रिक्वायर सो मच प्रैक्टिस एज राइटिंग। राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। तो जब जीरण की बात होती है, जीरण ही उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पढ़ना उतना अभ्यास नहीं मानता जितना लिखना। अब इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं, क्या कहता है इम्पॉर्टेंट रूल। इम्पॉर्टेंट रूल में हम पढ़ेंगे ऑल रूल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हम यहाँ पर रूल पढ़ेंगे सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब या जीरंडियल फॉर्म में होता है। जब भी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंडियल फॉर्म आता है, मतलब जीरंड फॉर्म आता है। ठीक है, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है। जैसे ही इज फाउंड ऑफ, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फाउंड ऑफ फाइट नहीं होगा, टू फाइट नहीं होगा, फाइटेड नहीं होगा, फाइटिंग होगा, वह लड़ाई का शौकीन है।
ही इज फाउंड ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर क्या होगा भाई, मिठाइयों का शौकीन है, वस्तु है ना, इस वजह से क्या है वर्ब में नाउन है, नाउन में वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते, नाउन को नाउन ही होता है, एक वर्बल नाउन होती है तो नाउन ही आया, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी आ सकती है, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आ सकती है, नाउन के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आती है, ध्यान रखना। नोट, अभी एक नोट पढ़ते हैं, एक्शन डिनोटिंग वर्ब में आईएनजी लगेगी, जितने भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब हैं उनमें सब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। तो थर्ड अब एक सेंटेंस है, ही एम्ड एट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, हमने उसने एक सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य रखा, तो ही एम्ड एट, देखो एक प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद हमने बताया था जेरंडियल फॉर्म आती है, तो गेटिंग आएगा, गेट नहीं आएगा, गेट आएंगे, गेटिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद आई सक्सीड इन, अचीव नहीं होगा यहाँ पर, अचीविंग होगा, माई गोल, ठीक है, मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। पांचवा देखते हैं, ही इंस्टेंट ऑन, ये प्रपोजिशन के, ही इंस्टेंट ऑन डन द वर्क वंस अगेन, तो यहाँ पर गलती क्या आ गई, देखो प्रपोजिशन के बाद डन नहीं आएगा, डूइंग आएगा, उसने एक बार पुनः कार्य करने का आग्रह किया। ऑन सी द चाइल्ड क्राइंग आई रेन टू हिम, बच्चे को रोता हुआ देखकर मैं उसकी तरफ दौड़ा, तो ऑन के बाद देखो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आती है। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर कम ऑन टाइम, तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन, देखो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमने आपको बताया था जीरंडली फॉर्म आती है, तो योर पजेसिव है, जब पजेसिव है तो इसका जीरंडली फॉर्म क्या होता, कम नहीं होगा, कमिंग होगा। ही बॉट इट फॉर, यहाँ पर एक जीरंडी फॉर्म है, और हमने बताया था कि ही वॉट इट फॉर लर्न द लैंग्वेज, यहाँ पर फॉर के बाद लर्निंग आएगा। लर्निंग आएगा, उसने यह भाषा सीखने के लिए इसे इरादा खरीदा, ठीक है। नाम कठिन परिश्रम करके तुम यह सीख सकते हो, बाय वर्किंग हार्ड यू कैन लर्न इट, यह करने में मुझे विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन, इनके बाद डूइंग आएगा, इन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद डूइंग दिस, आई डोंट बिलीव इन डूइंग दिस, उसने यह मशीन दौड़ने के लिए खरीदा, ठीक है। ही बॉट दिस मशीन फॉर के बाद रनिंग, पढ़ने के लिए पुस्तक आवश्यक है, दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फॉर रीडिंग, हमने आपको बताया कि जीरण जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, तो ये सभी क्या है, सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब और भी सेंटेंस है, जैसे कि खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग, तो देखो हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंडियल फॉर्म आता, हंसते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग, जब तक सफलता ना मिल जाए अभ्यास जारी रखें, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अंटिल यू अचीव सक्सेस, लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ अग्रसर रहें, कीप ऑन या गो ऑन, तो ऑन के बाद हमेशा अचीविंग द टारगेट, वह नौकरी पाने में सफल रहा, ही सक्सीडिंग इन गेटिंग अ जॉब, इनके बाद हमेशा गेटिंग आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंडियल फॉर्म आता है, उसने दौड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, ही कंसिडरेटिंग ऑन रनिंग, चलते रहो जब तक कि अगला पड़ाव ना आ जाए, तो कीप ऑन वॉकिंग अंटिल द नेक्स्ट स्टॉप स्टे कम्स, नेक्स्ट स्टॉप या कम स्टे कम्स, ठीक है, जागते रहो, स्टे अवे,
जागते रहो को बोलते हैं स्टे अवे। अपना भाषण देते रहो मतलब कीप ऑन हिज स्पीकिंग, अपना भाषण कीप ऑन उनके बाद स्पीकिंग, जीरण डी फॉर कीप ऑन हिज स्पीकिंग। रूल नंबर टू क्या बोलता है, रूल नंबर टू बोलता है निम्नलिखित शब्दों के बाद जीरण का प्रयोग होता है नॉट ऑफ इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का नहीं, जी इन सभी वर्णों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ। रूल नंबर टू बोलता है कि निम्नलिखित शब्द जितने भी हम नीचे देख रहे हैं इनके बाद हमेशा किसका जीरण का फॉर्म होता है, और जीरण का फॉर्म होता है ना कि इन्फिनेटिव का। तो पहला इसमें ए बी सी तीन तीन वर्डों के ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, तीन वर्डों के ग्रुप में बांटा गया है जिसमें पहले वर्ड है एंजॉय, अवॉइड, पोस्टपोन, डिसलाइक, हेट, मिश, माइंड, एडमिट, फिनिश, अमेजिंग, स्टॉप, डिनाय, एक्सक्यूज, एप्रिसिएटेड, वर्थ। ये सभी क्या हैं, एक प्रकार की एक ऐसे वर्ड हैं या ऐसे हम कहें ऐसे वर्ब हैं इनके बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, इनके बाद हमेशा जीरेंडलीय फॉर्म आता है, जीरेंडलीय नाउन आता है, ठीक है जी, सीधा सीधा कहें। और दूसरा हम देखते हैं बी वाला, बी वाले में क्या होता है जितने भी फ्रेज होते हैं, ये फ्रेजेस होते हैं जैसे कि विथ आर विथ आ व्यू टू के उद्देश्य से, इसे फॉर द पर्पस ऑफ बोलते हैं। सेकंड लुक फॉरवर्ड टू की तलाश में, एक्सपेक्ट ए विथ प्लेजर, ठीक है। इट इज नो यूज, कोई प्रयोग नहीं, बेकार है, इट इज नो यूज बेकार है, यूजलेस, इट इज नो गुड, ये भी यूजलेस के सेंस में ही आता है, ठीक है। कांट हेल्प या कुड नॉट हेल्प के बिना नहीं रह सकता, मतलब इसका मतलब होता है के बिना नहीं रह सकता या के नहीं रह सका। कीप ऑन, गो ऑन, बैंड ऑन, इनके बाद कीप ऑन, गो ऑन, बैंड ऑन के बाद इनका मतलब होता है झुका होना या लगे रहना, झुका होना। ये सब फ्रेजेस हैं, इनके बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म होती है, क्या होती है, जीरंड का यूज़ किया जाता है। अब सी वाला में देखते हैं सी क्या कहता है, सी कहता है सी के ये सारे वर्ड एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, ये सभी वर्ड एग्जेक्टिव हैं, इज नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, मॉडल नहीं है, क्या नहीं है, मॉडल नहीं है, मॉडल के ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसमें यूज के साथ टू आता है, आदत का होना पता, आदत जितने भी इनके साथ जितने भी वर्ड हैं इनके साथ क्या आता है, टू आता है, तो ये आदत की आदत होना के सेंस में देते हैं। हैबिट्यूट, हैबिट्यूएटेड टू की आदत के सेंस में देते हैं। अकम्बस्टम टू आदत की होने के सेंस में, एडिक्टेड एक एडिक्टेड, एडिक्टेड एक नेगेटिव सेंस देता है और इसके साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, टू आता है। तो इनके बाद जो आता है वो क्या आता है, जीरण फॉर्म आता है, जीरंडियल फॉर्म बोलते हैं। अब एक एक करके ग्रुप अब सेंटेंस एग्जांपल, ग्रुप नंबर फर्स्ट में मतलब ए वाली फॉर्म से हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। ही वी एंजॉयड, वी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी, हम मूवी देखने का आनंद लिए। तो यहाँ पर देखो हमने एंजॉयड पढ़ा था, एंजॉयड एक क्या है, एक वर्ब के फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वर्ब के बाद हमेशा जनरली फॉर्म आती है। तो वी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सही। अब दूसरा सेंटेंस देखो, डिनाइड का सेंस, डिनाइड, डिनाय या डिनाइड, ठीक है। ही डिनाइड टू यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, देखो डिनाई, डिनाई है, डिनाई के बाद एक डिनाई एक वर्ब के फॉर्म यूज है, इसके बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म होता है, यूजिंग, टू यूज नहीं होगा, इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा, जीरंडलियल फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है, याद रखना। उसने चीटिंग करने से इनकार किया, तो इसका मतलब है ही डिनाइड चीटिंग, ही डिनाइड चीटिंग। चौथा देखते हैं अवॉइड,
अवॉइड टू ओवर राइट एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना ओवर राइटिंग से बचो। तो ओवर राइट, टू ओवर राइट नहीं होगा यहाँ पर, ओवर राइटिंग, अवॉइड के बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म आता है, याद रखना। उससे बात करने से बचो, अवॉइड टॉकिंग हिम, अवॉइड के बाद टॉकिंग आया, ठीक है, अवॉइड टॉकिंग हिम। अब आ जाते हैं स्टॉप से रिलेटेड संबंध, स्टॉप से संबंधित, स्टॉप से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। ही स्टॉप स्मोकिंग, देखो ही स्टॉप्ड, स्टॉप के बाद क्या है, जीरेंडली फॉर्म आ गया, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। एक सेंटेंस और देख लो यहाँ पर डिनाई से, उसने खेलने से मना कर दिया, ही डिनाइड प्लेइंग, डिनाइड के बाद प्लेइंग, ही डिनाइड प्लेइंग। इसके बाद स्टॉप से ही स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप के बाद देखो जीरेंडली फॉर्म, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया, ही स्टॉप टू स्मोक, वह धूम्रपान करने के लिए रुका। ए अगर हमने अगर इन्फिनिटिव का यूज़ किया तो अलग सेंस देगा, ही स्टॉप टू स्मोक, वह धूम्रपान करने के लिए रुका, उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो ही स्टॉप्ड स्टडिंग, उसने मुझसे लड़ाई करना छोड़ दिया, ही स्टॉप क्वेरलिंग विथ मी, उसने जुआ खेलना बंद कर दिया, ही स्टॉप गैम्बलिंग। ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ही स्टॉप टू वर्क एज सून एज ही सॉ मी, उसने काम करना बंद कर दिया ज्यों ही उसने मुझे देखा। तो यहाँ पर देखो स्टॉप है, स्टॉप के बाद हमेशा, हमने आपको याद रखा है, बताया कि स्टॉप वर्ड के बाद हमेशा जीरो डी फॉर्म आएगा। ही स्टॉप वर्किंग एज सून एज ही सॉ मी। दूसरा सेंटेंस बनता है पेपर में, स्टॉप टू डूइंग इट नो एरर। तो यहाँ पर हमने बताया कि स्टॉप के बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म आती, ना कि इंफिनिटिव वर्ब, टू के साथ आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती वर्ब की, तो ओनली फॉर जीरेंडली फॉर्म आएगा, ठीक है। अब पोस्टपोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पोस्टपोन वर्ब से कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस हैं। सो आई पोस्टपोन्ड टू गो टू दिल्ली ऑन संडे, तो देखो मैंने रविवार को दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। तो यहाँ पर पोस्टपोन एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा हमने बताया था कि टू गो नहीं आता, इन्फिनिटिव नहीं आता, जीरेंडली वर्ब आती है। इसके बाद एडमिट से रिलेटेड से संबंधित है, ही एडमिटेड टू कमिट द मिस्टेक, उसने गलती करना स्वीकार किया। तो यहाँ पर क्या है, एडमिट के बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म आएगी, ना कि इन्फिनेटिव, तो कमिटिंग होगा। माइंड से रिलेटेड संबंधित, माइंड होता है डोंट माइंड माई सेविंग सो, ऐसा मेरे ऐसा कहने का बुरा ना मानो। तो माई के बाद देखो डोंट माइंड के बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म ही आएगा सेइंग, डोंट माइंड माई सेइंग सो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं फिनिश से रिलेटेड संबंध, फिनिश वर्ब होती है, फिनिश के रिलेटेड। ही फिनिश्ड डैश द वॉल, तो हमेशा याद रखना कि फिनिश के बाद हमेशा जीरेंडली वर्ब आती है, तो जीरेंड आता है तो वर्बल नाउन आती है, तो आई फिनिश्ड पेंटिंग द वॉल। इसके बाद उसने परीक्षा में नकल करना स्वीकार किया, एडमिट की बात करता है, एडमिट, ठीक है। तो ही एडमिटेड चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, तो एडमिट के बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म आएगी। मेरे देर से आने का बुरा ना मानो, डोंट माइंड माई कमिंग लेट, तो माइंड के बाद कमिंग आया, ठीक है, ये जीरेंडली फॉर्म है। अब ग्रुप नंबर टू की बात करते हैं, ग्रुप नंबर टू में हमने आपको बताए थे, ग्रुप नंबर टू में कौन कौन से वर्ड आते हैं, फ्रेजेस आते हैं ग्रुप नंबर टू में। ठीक है चलो करते हैं, पहला है बताया यू कम हेयर विथ अ व्यू टू लर्न, कभी भी जब भी फ्रेजेस देखा, हमने आपको बताया था कि
फ्रेजेस में देखो से जीरण फॉर्म आती है। यहाँ आप यहाँ अब यहाँ आप यहाँ पर सीखने के उद्देश्य से आते हैं। यू कम हेयर विथ अ व्यू टू टू लर्निंग होगा, ठीक है, क्या होगा, टू लर्निंग, ना कि टू लर्न। दूसरा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमने आपको बताया लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज होता है, लुकिंग फॉरवर्ड इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट विथ प्लेजर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट अगेन सून, बिल्कुल गलत है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग अगेन सून, हम जल्द पुनः मिलने की आशा करते हैं। थर्ड में देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेन द वेडिंग सेरेमनी। तो हमने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद वर्बल वर्ब की वर्बल जीरंडियल नाउन आती है, जीरंडियल नाउन आती है, तो याद रखना। तो टू के बाद ये प्रपोजिशन है, टू के बाद हमने आपको बताया तो अटेंडिंग आता है। वी आर लुकिंग टू अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, जीरंड हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। चौथा क्या है, हम एक सरकारी नौकरी पाने की आशा करते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशन है, इसके साथ हमेशा गेटिंग, और एक पूरा फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आ रहा, उसके बाद हमें पता है कि गेटिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। सो इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड, ये फ्रेजेस की यूज इस सेंटेंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, सो इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ टू क्राई फॉर द मून, व्रत की इच्छा करना बेकार है। सो यहाँ पर नो यूज़ के बाद ये फ्रेज है पूरी तरीके से, फ्रेज के बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म होता है। सो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग फॉर द मून, क्राइंग फॉर द मून होता है व्रत की इच्छा करना, ठीक है। अनअटेंडेबल एम्बिशन, सेकेंड नो गुड टू रिपेंड ऑन द पास्ट, टू रिपेंड नहीं होता, हमने बताया कि ये फ्रेज है, इसके बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म आती है। रिपेंडिंग होता है बीते हुए समय पर पश्चाताप करना बेकार है, इतना कठिन परिश्रम करना बेकार है। इट इज़ नो गुड वर्किंग सो हार्ड, पढ़ना लिखना बेकार है। इट इज़ नो गुड राइटिंग एंड रीडिंग, उसकी बेइज्जती करना बेकार है। इट इज़ नो गुड इंसल्टिंग हिज, आपको समझना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ अंडरस्टैंडिंग यू, वहाँ जाना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, उसको समझना बेकार है। इट इज़ नो यूज़ अंडरस्टैंडिंग हिम। अब आ जाता है कांट हेल्प और कुड हेल्प के सेंटेंस, कुड हेल्प और कांट हेल्प एक प्रकार का फ्रेज है। तो कांट हेल्प, कुड हेल्प, इनके बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म होता है। आई कांट हेल्प टू लाफ, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो यहाँ पर टू हेल्प टू लाफ नहीं होगा, टू लाफ नहीं होगा, इसमें लाफिंग होगा, यहाँ पर जीरंडली फॉर्म आएगा, ठीक है। तो कांट हेल्प, कांट क्या होता है, इसका होता है कैन नॉट हेल्प, ठीक है, कांट हेल्प मतलब होता है कैन नॉट हेल्प, एक फ्रेज की तरह काम करता है ये कैन नॉट हेल्प। मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता, तो आई कांट हेल्प स्टडिंग। तीसरा, वी कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग हिज स्किल, मतलब होता है पूरा एक फ्रेज होता है कुड नॉट हेल्प, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, ऐसे मौके पर मैं बोले बिना नहीं रह सकता। ऑन सच ओकेजन आई कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग, उसकी बातें सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। ऑन हियरिंग हिज स्पीक
ऑन के बाद हमेशा प्रिपोजिशन ऑन हियरिंग हिज स्पीच आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं तुमसे बातचीत किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प कंजर्वेंसिंग विथ यू या टॉकिंग टू यू। वह सुबह टहले बिना नहीं रह सकता। ही कांट नॉट हेल्प, ये पूरा फ्रेज है। इसके बाद जीरेंडली फॉर्म वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं रास्ते में बातचीत करना पसंद नहीं करता। आई कांट लाइक टू टॉक। यहाँ पर हेल्प नहीं आएगा तो सीधा टॉक आता। आई कांट लाइक टू टॉक ऑन द वे। अब नोट याद रखते हैं, एक नोट बढ़ाया गया, कांट हेल्प और कुड हेल्प के साथ अगर बट आ जाए, और बट के बाद हमेशा वेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, पेयर इन्फिनिटिव जैसे बोलते हैं, वेयर नहीं पेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मीनिंग वही रहता है लेकिन बट सेंटेंस का हमने क्या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया लेकिन मीनिंग वही रहता है, ठीक है। कांट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के साथ अगर बट आ जाए, बट के बाद हमेशा जीरेंडियल फॉर्म। अगर कुड कांट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद सीधा डायरेक्ट आए तो जीरेंडियल फॉर्म आता है। सो आई कांट हेल्प बट। टू डूइंग बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर डू आएगा, पेयर इन्फिनिटिव डू। आई कांट हेल्प बट डू इट, डू आएगा यहाँ पर। आई कांट हेल्प बट लाफ, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। लाफिंग नहीं होगा यहाँ पर, लाफिंग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लाफिंग नहीं होगा यहाँ पर, लाफ होगा, लाफ यहाँ पर, नो एरर होगा। मैं गाने सुने बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट। आई कांट ए फ्रेज है, फ्रेज के साथ वर्ब बट लगा। आई कांट हेल्प बट लिसन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू सॉन्ग। अब तीसरी है आदत होना। तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा था, आदत के सेंस में आता है, जिसमें कि हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था आपका यूज़ टू, हैबिट्यूट टू, एकम्स टू टू, एडिक्ट टू, ये सभी क्या हैं, ये सारे वर्ड एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से चलो आदत, ए इन मतलब इनका सभी का अर्थ होता है आदत का होना। हमेशा याद रखना इज आर वॉज वर्ग के साथ यूज़ टू etc के सेंस में, एडजेक्टिव के सेंस में आता है, ठीक है। etc एडजेक्टिव के सेंस में आता है। मैं कठिन परिश्रम करने का आदि हूँ। आई एम यूज टू एक क्या है, एग्जेक्टिव है, और इसके बाद क्या आता है, टू आ गया। इसके बाद हमेशा जीरेंडली फॉर्म आता है, हमने बताया था टू वर्किंग, वर्क नहीं आएगा, वर्किंग आएगा, वेरी हार्ड। आई एम यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड। आई यूज़ टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आई यूज़ टू वर्क, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर वर्क मानेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्किंग नहीं आएगा। आई यूज़ टू वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम किया करता था। ए दोनों में ही अंतर समझ लो कि जब आदि हूँ, जब करता था, तो ये सब डिफरेंस है। जब हम एग्जेक्टिव तरह काम करेंगे यूज़ टू को, हैबिट्यूट टू टू को, तो अलग से जीरेंडियल फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में। उसके बाद अगर हम यूज़ टू को अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी तरह काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट के बाद है वर्ब जो है वर्ब टू बी प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीएनडी का यूज़ होता है। जैसे हमने आपको बताया वर्ब कौन सी होती हैं, टू बी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हमेशा अगर यूज़ टू आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बताएं। सो आई एम यूज़ टू, ये एग्जेक्टिव का काम करेगा। आई एम यूज़ टू एग्जेक्टिव है, यहाँ पर डू ऑल माई वर्क ऑन टाइम। सो यहाँ पर है मैं अपना काम समय पर करने का आदि हूँ। तो आई एम यूज टू डूइंग माई वर्क ऑन टाइम। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, बिल्कुल गलत है। देखो ही इसके बाद जो है जो एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही इज एडिक्टेड टू
टू के बाद हमेशा जीरंडली फॉर्म आती है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग टू गैम्बलिंग। तीसरा ही इज accomplished टू, ठीक है, और इज एम आर वॉजबर्ग के बाद, वॉजबर्ग के बाद हमेशा ऐसे शब्द आए तो ये कैसे एग्जिट की तरह काम करेंगे, और एग्जिट के बाद काम करने के बाद इसमें जीरंडली फॉर्म आता है बाद में, तो वर्क का आएगा वर्किंग, टू वर्किंग आएगा, बाय देर रात तक काम करने का आदि है, लेट एट नाइट, ठीक है। ही इज accomplished टू वर्किंग एट लेट एट नाइट। मैं सुबह टहलने का आदि हूँ, आई एम यूज टू एग्जेक्टिव तरह काम कर रहा है, एम के बाद यूज टू एग्जेक्टिव तरह काम कर रहा है। आई एम यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। भाई धूम्रपान करने का आदि है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। भाई ज़्यादा खाने का आदि है, ही इज accustomed टू ईटिंग मोर। थोड़ा सा पानी मतलब लिटिल मोर वाटर बोल, थोड़ा सा पानी। अब अलग अलग क्वेश्चन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। इतना हमें क्लियर हो गया होगा। अब अलग क्वेश्चन हैं। सो आई एम यूज टू, देखो आई एम, आई के बाद एम लगा, एम के बाद क्या आया था, यूज टू एक एग्जेक्टिव तरह होता है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगे, मतलब जीरंडली नाउन जीरंडली फॉर्म आएगी। तो जीरंडली कौन सा फॉर्म है, वर्क हार्ड, वर्क वर्क, देखो वर्ब में आई एन जी आना चाहिए, वर्क वर्क हार्ड वर्ब है और एडवर्ब है, हार्ड वर्क एग्जेक्टिव है, नाउन है। इसके बाद हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग एग्जेक्टिव है पूरा, वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम का आदि हूँ, वर्क हार्ड, तो वर्ब की फॉर्म आई एन जी आती है। तो इसमें हम यहाँ पर एग्जेक्टिव आएगा और नाउन आएगा, तो नाउन एग्जेक्टिव और नाउन जिसमें आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। हार्ड वर्क, आई एम accustomed टू, स्वीट का स्वीटिंग नहीं होता कभी भी, इसलिए नाउन आता है। वर्ब में आई एन जी लगती, लेकिन नाउन में कभी भी आई एन जी नहीं लगती। तो मैं मिठाइयों का आदि हूँ, तो वर्ब आए तो आई एन जी लगेगा, नाउन में आई एन जी नहीं लगती, ऐसे ही आता सिंपल नाउन। मैं फिल्मों का आदि हूँ, आई एम accustomed टू मूवी, मूवी एक नाउन है इसलिए डायरेक्ट सीधा उसमें आई एन जी नहीं लगता है। accustomed टू एक आई एम के बाद एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के बाद जीरंड। मैं फिल्म देखने का आदि हूँ, आई एम accustomed टू वॉचिंग मूवी। हाँ अब आया, देखो देखने वाला वर्ब आ रही है तो वॉचिंग मूवी, आई एम accustomed टू वॉचिंग मूवी। नोट नंबर, नोट नोट, निम्न शब्दों के बाद इन्फिनिटिव तथा जीरंड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। इनमें देखो निम्न शब्दों के बाद इन्फिनिटिव तथा जीरंड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे स्टॉप हो गया, इमेजिन हो गया, कंसीडर हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, लाइक ईटीसी। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, इनके बाद हमेशा जीरंड और इन्फिनिटिव का दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो एक पढ़ के देखते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आई विल रिमेंबर टू रीड द बुक, तो पुस्तक पढ़ना मुझे याद रहेगा या पढ़ूंगा, तो आई विल रिमेंबर टू रीड द बुक, ठीक है, टू रीड द बुक, या मैं पुस्तक पढ़ना याद रखूंगा, मतलब पढ़ूंगा या याद रखूंगा। इसके बाद अगर हमने जीरंड फॉर्म यूज किया तो आई विल रिमेंबर रीडिंग द बुक, पुस्तक का पढ़ना मुझे याद रहेगा, पढ़ चुका हूँ उसको याद रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे एक सेंटेंस और है, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मुझे यह याद रहेगा कि लेटर पोस्ट करना है, किया नहीं है, करना है, ठीक है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मुझे याद रहेगा कि मैंने पत्र पोस्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कर दिया है और याद रखेगा, यहाँ पर पोस्ट नहीं किया बट याद करना है, याद रखना है उसे कि पोस्ट करना है, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चंस हैं,
एग्जाम से क्वेश्चंस हैं, आई रिमेम्बर्ड मीट यू ऑन द वे, तो क्या होगा? मैंने याद किया रास्ते पर मिलना है, आपसे रास्ते में मिलना है, मुझे याद आया, तो आई रिमेम्बर्ड मीटिंग, मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, ऑन यू, आई रिमेम्बर्ड मीटिंग ऑन द वे। मुझे अपना पहला भाषण देना याद रहेगा, भाषण दे चुका है तो इसलिए क्या आएगा, मेक स्पीच, भाषण देना होता मेक स्पीच, ठीक है। आई विल रिमेम्बर्ड मेकिंग मेकिंग माई फर्स्ट स्पीच, मेकिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। उस दिन मुझे अपनी गलती करना याद आता है, तो मतलब गलती कर चुका है, तो मतलब वर्ब की, वर्ब के साथ ing, आई रिमेम्बर मेकिंग माई मिस्टेक दैट डे। इमेजिन लिविंग एट 5,000 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तट से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहने की कल्पना करो, ठीक है। इमेजिन, इमेजिन करना, इमेजिन के बाद हमेशा कैसे आते हैं, जीरण फॉर्म आते हैं, इमेजिन जीरण, और वैसे भी फॉर्म बन सकता है। आई इमेजिन लिविंग एट 5,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, समुद्र तट से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहने की कल्पना करो। इमेजिन इमेजिन अर्निंग, अर्निंग देखो आया, अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर द जॉब, नौकरी के बाद अत्यधिक धन कमाने की कल्पना करो। मैंने दिल्ली जाने की कल्पना की है, मतलब कल्पना की है मतलब सोच और जाएगा, तो आई इमेजिन गोइंग टू दिल्ली, मैंने एक अच्छी नौकरी पाने की कल्पना की है। आई इमेजिन गोइंग गोइंग द जॉब गुड जॉब, नोट यहाँ पर नोट याद रख लेना कि इमेजिन के साथ अगर नाउन और प्रोनाउन आ जाए, इमेजिन के साथ इमेजिन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव आता कुल मिला के, अपोजिशन को दिखाएगा, मतलब अपोजिशन को दिखाएगा मतलब अधिक का अपोजिशन को दिखाएगा। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, आई इमेजेंड हिम टू बी अ ब्री थीफ, मैंने उसके चोर होने की कल्पना की है। आई इमेजेंड, आई इमेजेंड हिम, नाउन प्रोनाउन आया, आई इमेजेंड हिम टू टू वी अ थीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, मैंने उसके चोर होने की कल्पना की है। सेकंड है आई इमेजेंड मोहन बीइंग अ टीचर, बिल्कुल गलत है, आई इमेजेंड मोहन आया, नाउन प्रोनाउन आया यहाँ पर, इसके बाद हमेशा टू प्लस बी आएगा, टू प्लस बी मतलब बी टू बी अ टीचर, मैंने मोहन को अध्यापक के रूप में कल्पना किया है, मैंने कल्पना किया है कि वह डॉक्टर है। आई इमेजेंड हिम टू बी अ डॉक्टर, आई इमेजेंड हिम नाउन और प्रोनाउन आ गया, इसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी अ डॉक्टर। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि जीरण के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन पजेसिव केस में होता है, ठीक है। हाँ जीरण के जो पहले हमने जो पढ़ा है कि जीरण के पहले आने वाला नाउन जो प्रोनाउन होता है वो पजेसिव केस में ही होता है हमेशा, हाँ पहले जो पढ़ चुके रूल, तो जीरण के पहले आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमें पजेसिव केस में होता है। तो जैसे कि अगर मोहन है तो मोहनस हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, ठीक है। जैसे आई डोंट लाइक मोहन वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मुझे मोहन का सुबह का टहलना पसंद नहीं करता, नहीं आता या नहीं करता मोहन का टहलना, तो मोहन का टहलना आता ना, मोहन का टहलना, तो मोहन्स, मोहन में अपोस्ट्रॉफी एस फॉर वॉकिंग, तो नाउन और नाउन, ये प्रोनाउन और नाउन पजेसिव, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, दोनों ही नाउन होते हैं। एक्सक्यूज मी कमिंग सो लेट, ठीक है, मेरे देर से आने को क्षमा करें, तो मी नहीं होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा, मी नहीं होगा, प्रोनाउन बनाना है ना, और जीरण के पहले हमेशा जीरण नाउन के पहले, जीरण के पहले हमें पजेसिव केस आता है, तो मी का माई होगा। आई एम सॉरी फॉर माई बींग बींग लेट,
मी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था कि जीरण के पहले हमेशा पजेसिव केस आता है, तो मी का माई होता है पजेसिव केस। मैं अपने देर होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ही ऑब्जेक्ट टू मी सेइंग सो, यहाँ पर देखो उसने मेरे ऐसे कहने का विरोध किया, तो ही ऑब्जेक्ट टू मी सेइंग नहीं होगा, सेइंग के देखो जीरण के पहले पजेसिव केस आता है, मी का माई होता है। ही पोस्टपोन हिज गो टू दिल्ली, पोस्टपोन के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आती है, पोस्टपोन या जीरंड फॉर्म आती है पोस्टपोन के बाद तो गो ही आएगा। ही पोस्टपोन हिज गोइंग टू दिल्ली और इसके देखो जीरंड के पहले क्या है, पजेसिव केस ही तो है हिज। आई अप्रिशिएट के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म होती है, आई अप्रिशिएट हिज सिंग सो नाइसली, गलत है, सिंग नहीं होगा। आई अप्रिशिएट हिज सिंगिंग सो नाइसली, मैंने उसके इतना सुंदर गाने का प्रशंसा किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग होम, मैं आपके घर आने की खुशी आशा करता हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू है और टू के बाद हमेशा जीरण फॉर्म आता है, एओर आ गया, उसके पहले जीरण के पहले क्या आ गया, पजेसिव केस आ गया, तो ऐसे भी चल सकता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग होम, पिताजी मोहन का देर रात तक कार करना पसंद नहीं करते, तो मोहन का देर रात तक, तो द फादर डिसलाइक्स मोहन्स में अपोस्ट्रोफी एस आएगा, फिर इसके बाद वर्किंग लेट एट नाइट। क्या तुम्हें मेरा घूमना पसंद है, डू यू लाइक माई वंडरिंग, तो देखो यहाँ पर जीरंड आएगा, जीरंड लाइक और लाइक के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड फॉर्म आता है। डू यू लाइक माई वंडरिंग, फालतू में घूमने, ठीक है, लाइक के बाद हमेशा ए, इन सभी वर्ड के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आता है, तो और जीरंड के पहले हमेशा पजेसिव केस आता है। आई फाउंड हिम लुकिंग अप द डोर, देखो यहाँ पर फाउंड आएगा, फाउंड मैंने बताया कि फाइंड बताया था कि फाइंड के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आता है। आई फाउंड हिम लुकिंग अप द डोर, फाइंड हुआ, वॉच हुआ, नोटिस हुआ, सी ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस है, केस आता है, पजेसिव केस नहीं, ऑब्जेक्ट केस आता है, पजेसिव केस नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस आता है, इन सब के बाद पजेसिव केस आता है, पजेसिव ऑब्जेक्ट केस आता है ना कि पजेसिव। आई फाउंड हिम लुकिंग अप द डोर, रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर क्या है, रूल नंबर फोर है दिस रिलेटेड टू टू चैप्टर पीपल, मतलब होता है रूल नंबर फोर, निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रपोजिशन प्लस जीरंड का यूज होता है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं, मतलब इन्फिनेटिव का यूज नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिप्लेस करने की शक्ति जीरण में ही होती है, ध्यान रखना एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेस करने की शक्ति ही जीरण में होती है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहला हम सेट पढ़ते हैं ए, तो ए में क्या है, ए सभी जितने भी लिखी हैं वर्ब हैं, जैसे कि पहला ग्रुप है स्टॉप मतलब होता है रुकना, प्रोहिबिट, एब्सटेंट और रिफ्रेन होता है बचना या दूर रहना, साइनो फॉर्म होती है, डिस्क्वालीफाई करना, बीवर होता है वंचित रहना, प्रिवेंट होता है मना करना, ए इनके साथ हमेशा इन वर्ब के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, फ्रॉम एक प्रोपोजिशन फिक्स होता है, मैं इन सब स्टॉप फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, एब्सटेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, डीवर फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, इनके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम होता है, और इसके बाद हमेशा
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म आती है, ना कि इन्फिनिटिव फॉर्म। सेकंड ग्रुप क्या है? बी। सेकंड ग्रुप में ए जितनी भी वर्ड हैं वो क्या हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, वर्ब है, लेकिन के साथ प्राउड, कॉन्फिडेंट, ट्राइड्स, डेसिरस, डिजायरस, जैसे बोलते हैं प्राउड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, ट्राइड और डिजायरस। प्राउड होता है घमंड, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास, और टायर्ड होता है थके सही, और डिजायरस होता है इच्छा। तो इनके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ऑफ। सी ग्रुप, सी ग्रुप में एक एग्जेक्ट सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल इन होता है। ये सभी क्या है, एग्जेक्टिव वर्ब हैं। कैसी हैं? एग्जेक्टिव वर्ब होती हैं ये सभी, एग्जेक्टिव वर्ब होती है। एग्जेक्टिव और नाउन वर्ब दोनों का मिश्रण है। तो सक्सेसफुल एग्जेक्टिव है, सक्सीड वर्ब होती है, फॉर्चुनेट वर्ब होती है, एक्सेल भी एक नाउन होती है, एक्सेल होता है उत्कृष्ट होना, परसिस्ट होता है बनाकर रखना, मेंटेन करना, कीप ऑन करना। इनके साथ हमेशा इन का यूज़ करते हैं। तो सक्सेसफुल इन, सक्सीड इन, फॉर्चुनेट इन, एक्सेल इन, परसेट इन। इनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन, हमने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड नाउन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जीरंड का यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगेगी बट नाउन को बिल्कुल सेम यूज़ कर देते हैं, नाउन में आईएनजी नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद डी वाला ग्रुप में देखते हैं। इंसिस्ट ऑन मतलब होता है आग्रह करना, जोर देना, इंसिस्ट ऑन। इंस्टिट के साथ ऑन आता है, एम के साथ एट आता है, और बैंड के साथ ऑन आता है, बैंड ऑन, तो झुका होना, बैंड होता है एक झुका होना। तो इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि हम पढ़ेंगे, अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ही प्रोहिबिटेड मी। तो प्रोहिबिटेड मी टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द मीटिंग नहीं होता है। हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन कौन होता है, कौन सा यूज़ होता है प्रोहिबिटेड के साथ। प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा ही, प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग्स, उसने मुझे मीटिंग में भाग लेने से रोका। द कमीशन डिवार्डेड हिम फ्रॉम टेक द एग्ज़ाम। ठीक है, कमीशन ने उसे एग्ज़ाम से वंचित रखा। डिवाइडेड मतलब होता है वंचित रखना। द कमीशन डिवाइडेड हिम फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम। फ्रॉम होगा, डिवाइडेड के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में। द हंटर एम्ड एट द लॉइन, हम एम्ड के साथ हमेशा एट आता है, और लॉइन कैसा है, नाउन है, इसलिए ये नाउन ही के फॉर्म में आएगा, नाउन में आई एन जी नहीं लगती कभी भी, आई एन जी वर्ब में लगेगी। ठीक है, तो एट हो गया। ही इंस्ट्रिक्ट ऑन आता है, इंस्ट्रिक्ट के साथ हमेशा ऑन आता है। तो ही इंस्ट्रिक्ट टू गो द सिनेमा लास्ट नाइट, वह पिछली रात सिनेमा जाने पर जोर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो टू गो लिखा है, हम टू गो नहीं बनाएंगे, इंस्ट्रिक्ट के साथ ऑन आता है, तो ऑन गोइंग होगा, क्या होगा, ही इंस्ट्रिक्ट ऑन गोइंग टू सिनेमा लास्ट नाइट। He aimed to get a job. उसने अच्छी नौकरी पाने का लक्ष्य रखा। तो aimed के साथ at आएगा और getting a job। I am tired. Tried of work day and night, मैं दिन रात काम करके थक गया हूँ। सो आई एम ट्राइड, हमने तुम्हें बताया था ट्राइड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है प्रीपोजिशन के रूप में। आई एम ट्राइड ऑफ वर्किंग, और हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंडली नाउन के फॉर्म आता है, जीरंडली नाउन। तो आई एम ट्राइड ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट। ही सक्सेड इन, सक्सेड के साथ इन आता है, सो ही सक्सेड इन गेटिंग वॉट ही एम्ड एट, जो उसने लक्ष्य रखा था वह पाने में सफल रहा। दिस इंस्टीट्यूट इज एक्सेल टू टीच, यह संस्था पढ़ाने में उत्कृष्ट है।
बिल्कुल नहीं, एक्सेल के साथ हमेशा इन आता है। दस दिस इंस्टीट्यूट इज एक्सेल इन टीचिंग टीचिंग। ही वेंड ऑन गेट एडमिशन, उसका झुकाव दाखिला लेने की तरफ था। तो बैंड के साथ ऑन आता है और ऑन के बाद जीरण फॉर्म आती है। तो ही बैंड ऑन गेटिंग एडमिशन, उसका झुकाव दाखिला लेने की तरफ था। उसने अच्छी नौकरी पाने का लक्ष्य रखा। मैं दिन रात काम करके थक गया हूँ। जो उससे लक्ष्य रखा था वह पाने में सफल रहा। ये सेंटेंस के अर्थ हैं जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। उसका झुकाव दाखिले लेने की तरफ है, ये भी उसी सेंटेंस का। साथ में देखते हैं, हम एक सरकारी नौकरी पाने में भाग्यशाली रहे। वी आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट के साथ हमेशा इन का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। वी आर फॉर्चुनेट इन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। मैं एक सरकारी नौकरी पाने का आत्मविश्वास रखता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ आता, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। उसने मुझे बाजार जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आता है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू द टू मार्केट, ठीक है। उसने बोलने का आग्रह किया। ही इंस्ट्रक्ट ऑन, इंस्ट्रक्ट के साथ ऑन आता है, उसके बाद जीरण फॉर्म। ही इंस्ट्रक्ट ऑन स्पीकिंग, वह कार्य करने में सफल रहा। ही सक्सीड इन डूइंग द वर्क। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन सेंटेंस हैं, कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ कंजंक्शन की ज़रूरत है। हम इंस्ट्रक्ट के साथ ऑन तब यूज़ करते हैं जब केवल एक सेंटेंस की बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, दैट की कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, ना कि उसके प्रपोजिशन की। तो ही इंस्ट्रक्ट दैट ही शुड गो देयर। ऑन दैट नहीं आएगा, ना ऑन आएगा, ना ऑन देन ऑन आएगा। वी डिड नॉट यूजिंग ऑन, यहाँ पर यूज़ ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा जीरण ख़त्म हो गया है, और जीरण को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है। तो जीरण के लिए इतना ही।